hello everyone welcome back to my new video so in this video we will cover our 10th chapter of sst okay so the chapter name is forest and wildlife of india okay so in this chapter we will learn about forests and about wildlife so what is forest so first a forest is a large area covered by trees विच इज़ होम टू मैनी वाइल्ड animals. फॉरेस्ट आर एन important सोर्स ऑफ renewable resources. ठीक है तो यहाँ पे फॉरेस्ट इसको हम बोल रहे हैं एक लार्ज एरिया जो कि किससे कवर है ट्री से कवर है और किसका घर है वाइल्ड एनिमल्स का घर है बहुत से वाइल्ड एनिमल्स जो हैं फॉरेस्ट में रहते हैं और फॉरेस्ट क्या है एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है रीनल रिसोर्स है ठीक है रीनल रिसोर्स है फॉरेस्ट हमारा सो so, प्लांट टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड release ऑक्सीजन which इज़ essential फॉर द surviving सॉरी सर्वाइवल ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स तो प्लांट्स क्या करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं जो कि क्या है हमारे सर्वाइवल के लिए यानी ऑल लिविंग थिंग्स के सर्वाइवल के लिए इम्पोर्टेंट है सो ट्रीज प्रिवेंट सॉइल इरोजन और ट्री क्या करते हैं सॉइल इरोजन को भी प्रिवेंट यानी कि रोकते हैं सो नेक्स्ट इज forest provide food and shelter to wild animals trees give us protect uh, products sorry products like gum wood medicines fuel furniture paper and clothing so forest hame kya dete hain shelter provide karte hain wild animals ko aur hame bahut se product bhi provide karte hain कौन कौन से product हैं वो gum है wood है medicines है fuel है furniture है ठीक है paper है और क्लोथ्स वगैरह जो क्या है हमें फॉरेस्ट फॉरेस्ट से ही प्रोवाइड होते हैं सो so नेक्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट ठीक है टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया सो द फॉरेस्ट ऑफ इंडिया कैन बी डिवाइडेड इंटू फाइव टाइप्स तो हमारे जो इंडिया में फ़ॉरेस्ट हैं उनको हम कितने पार्ट में डिवाइड किए हैं फाइव टाइप्स में फर्स्ट इज़ ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट सेकेंड इज़ ट्रॉपिकल डेसीड्यूस फॉरेस्ट थर्ड इज़ माउंटेन फॉरेस्ट फोर्थ इज थर्ड फॉरेस्ट एंड फिफ्थ इज टाइडल फॉरेस्ट तो फर्स्ट के बारे में हम यहाँ देखेंगे ट्रॉपिकल एवरग्रीन ठीक है जैसे कि इसका नाम से लग रहा है ट्रॉपिकल एवरग्रीन ये हमेशा हरा भरा रहने वाला फॉरेस्ट है दिस फॉरेस्ट है डिफरेंट टाइम ऑफ द ईयर एंड हैज अपीयर ग्रीन थ्रू आउट थ्रू आउट ओके तो यहाँ पर इस ऐसे फॉरेस्ट हैं जहाँ पर इनके ट्रीज़ क्या करते हैं अपने पतियों को गिराते हैं कब डिफरेंट टाइम में गिराते हैं ईयर में एक ईयर में डिफरेंट टाइम्स गिराते हैं और अप्रीय ग्रीन हमेशा ग्रीन दिखते हैं पूरे साल सो ट्री ट्रीज इन दीज फॉरेस्ट ग्रो वेरी टॉल एंड हैव अ थिक एंड वुडी बार्क ठीक है तो ये ट्रीज़ कैसे होते हैं इनमें बहुत टॉल होते हैं और बहुत ही वुडी बहुत ही मोटे होते हैं वो डी बार्क होता है इनका सो द ट्रीज़ ग्रो वेरी क्लोज टू ईच अदर एंड द लीव्स एट द टॉप फॉर्म अ रूट लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड कैनोपी ठीक है जो हमारा सो so जो ट्रीज़ होते हैं वो एक दूसरे के बहुत ही पास में ग्रो करते हैं तो उनकी लीव्स जो होती हैं ठीक है ऊपर से पूरा आ, कवर कर लेती हैं रूट को तो ऐसे इस वो जो एरिया है उसको हम क्या बोलते हैं उसका कैनोपी बोलते हैं ठीक है तो ये अगर आ, कोई ट्री है उसके बगल में कोई ट्री है तो ये क्या है इस एरिया को वो पोर्शन को वो ढक ले रहे हैं ठीक है तो ये जो एरिया है आपका इसको हम क्या बोलते हैं कैनोपी बोलते हैं ट्री का सो कैनोपीज़ डो नॉट अलाउ मच लाइट टू पास थ्रू दैम मोस्टली इट रेन्स हैवली इन दीज एरिया तो ये क्या होता है उनकी कैनोपी जो है वो लाइट को एंटर नहीं करने देती है अगर बहुत ही डेंस फॉरेस्ट है तो लाइट को एंटर नहीं होने देती लाइट नीचे नहीं जा पाता है और यहाँ पे क्या होता है मोस्टली इस फॉरेस्ट में बहुत ही ज़्यादा बारिश होती है सो एवर ग्रीन फॉरेस्ट ग्रो वेल इन मॉस्ट एंड वेट प्लेस एंड आर फाउंड मेनली इन द नॉर्दन ईस्टर्न हिल्स एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड द हिल स्लोप्स ऑफ द वेस्टर्न घाट ठीक है तो ये एवरग्रीन फॉरेस्ट कहाँ होते हैं <coughs> ये वेल ग्रोन होते हैं मॉइस्ट होते हैं और ब्रेड प्लेसेस में होते हैं कहाँ ये ज़्यादा पाए जाते हैं नॉर्थन ईस्टर्न नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स में अंडमान निकोबार आइलैंड में ठीक है और स्लोप्स में वेस्टर्न घाट के सो सम ऑफ द कॉमन ट्रीज दैट ग्रोज हेयर आर सॉरी महागौन महागेन माहो महोगनी, इबोनी एंड रोज वुड तो ये सब ट्रीज क्या है यहाँ पे ग्रो की जाती हैं, ग्रो होती हैं। सो so यहाँ आप देखो यहाँ पे दिया हुआ है एक इंडिया का मैप इसमें सारे टाइप के फॉरेस्ट आपके दिए हुए हैं यहाँ पे सिंबल दिया है सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है ये किस कलर से है लाइट ग्रीन कलर से है सो so लाइट ग्रीन कलर का ये जो पोर्शन है आपका ये देखिए ये वाला पोर्शन जितना भी है लाइट ग्रीन का ये कौन सा है फॉरेस्ट है आपका सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है नेक्स्ट है देखिए ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट ये डार्क सिक गया है डार्क ग्रीन कहाँ दिख रहा है आपको यहाँ देखिए ये वाला डार्क ग्रीन पोर्शन दिख रहा है तो यहाँ पे क्या है आपका ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन है ऐसे ही आपके सारे सिम्बल्स दिए हुए हैं जिससे आप इजिली फाइंड कर सकते हो कि कहाँ कौन से फॉरेस्ट हैं ठीक है सो नेक्स्ट टाइप का फॉरेस्ट क्या है ट्रॉपिकल डेसीड्यूवस फॉरेस्ट सो द ट्रीज़ इन दिस फॉरेस्ट शेड दे आर लेस वंस इन अयर एंड इन द सेम सीज़न दिस फॉरेस्ट ग्रो इन एरियाज दैट रि मॉडरेट रेनफॉल ठीक है तो ऐसे जो तो फॉरेस्ट इसमें क्या होता है यहाँ पर ट्रीज अपना पतियों को गिराती हैं एक बार ठीक है एक ईयर में एक बार पतियों को गिराती हैं और यहाँ पर क्या है मॉडरेट रेनफॉल होती है ठीक है यानी कि ना बहुत ज़्यादा होती है रेनफॉल ना ही बहुत ज़्यादा ही कम होती है सो इन इंडिया ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट आर मेनली फाउंड इन द फुट हेल्स ऑफ द हिमालय तो ये ऐसे फ़ॉरेस्ट कहाँ पाए जाते हैं फुट हेल्स हिमालय के फोर्ट हेल्स में पाए जाते हैं इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड एंड एंड उत्तर प्रदेश ठीक है सच फॉरेस्ट आर ऑल्सो फाउंड इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र मध्य प्रदेश कर्नाटका केरला एंड तमिलनाडु एंड उड़ीसा तो ये सब स्टेट्स में कौन से फ़ॉरेस्ट पाए जाते हैं आपके ट्रॉपिकल डेसीडुअस फॉरेस्ट सो सॉल टीक सैंडलवुड महुआ सीशम बैम्बू एंड सीमोल आर सम कॉमन ट्रीज दैट ग्रोज इन ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट तो ये सब ट्रीज क्या हैं आपके इस एरिया में ग्रो होते हैं सो दे आर होम टू एनिमल्स लाइक डियर मंकीज़ एंड बर्ड्स लाइक पैरा ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट फॉर्म द लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर इन इंडिया तो ये जो टाइप है आपका फॉरेस्ट का यानी कि ट्रॉपिकल डेसिडुअस है ये सबसे ज़्यादा कवर करता है इंडिया में ठीक है सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट यही मिलेगा आपको देखने को यहाँ पे बहुत से एनिमल्स जैसे कि आपका डियर है मंकी है बर्ड्स है पैरट हैं ये यह सब यहाँ पे आपको मिल देखने को मिलेंगे ठीक है सो नेक्स्ट आपका है फॉरेस्ट का टाइप वह है माउंटेन फॉरेस्ट माउंटेन फॉरेस्ट आपको नाम से ही लग रहा होगा कि ये माउंटेन जहाँ होते हैं वहाँ पर ही ऐसे फॉरेस्ट आपको देखने को मिलेंगे सो दिस फॉरेस्ट हैनीफ़ ट्रीज सच एज पाइन फेर स्प्रूस एंड देवदार ठीक है इस टाइप के आपके ट्रीज़ मिलते हैं वहाँ पे कॉर्नीफेरेस्ट ठीक है कौन जैसा स्ट्रक्चर होते हैं उनका कॉर्नीफेरेस आर ट्रीज एंड श्रब्स डेट ग्रोज इन कूलर एरियाज़ ऑफ द वर्ल्ड तो ऐसे शर्ब्स कहाँ मिलते हैं आपको जो ठंडे जगह हैं वहाँ पे आपको ऐसे ये देखने को मिलेंगे कोन शेप वाले सो दे हैव फ्रूट्स कॉल्ड कोनंस एंड वेरी थिन लीव्स कॉल्ड निडल्स विच दे डू नॉट नॉर्मली लूज इन विंटर ठीक है तो ये अपने पत्ती को नहीं गिराते हैं बहुत नॉर्मल तरीके से गिराते हैं वो भी ठंडी के टाइम में सो कॉनिफेरस फॉरेस्ट आर मेनली फाउंड इन द हायर पार्ट्स ऑफ हिमालय माउंटेन रीजन ठीक है तो ये हमेशा हिमालय माउंटेन रीजन में पाए जाते हैं और पेपर जो है पेपर इज़ मेड फ्रॉम द पल्प ऑफ़ कॉनिफेरस ट्रीज तो पेपर जो है इस किससे बनता है कॉनिफेरस ट्रीज के पल्प से बनता है नेक्स्ट टाइप ऑफ फॉरेस्ट इज थॉर्न फॉरेस्ट थॉर्न मतलब कांटा ठीक है कांटेदार आपके फॉरेस्ट कहाँ मिलेंगे जहाँ पानी नहीं होगा फॉर एग्ज़ाम्पल आपका राजस्थान है डेजर्ट एरिया जितने हैं वहाँ पे आपको क्या मिलेंगे थॉर्न फॉरेस्ट मिलेंगे तो फॉर, सो दीज फॉरेस्ट आर मेनली फाउंड इन द डेजर्ट रीजन ऑफ राजस्थान पार्ट्स ऑफ हरियाणा एंड साउद पार्ट ऑफ पंजाब ठीक है तो राजस्थान हरियाणा पंजाब के कुछ पार्ट्स में राजस्थान के तो पूरे पार्ट में क्या है यही इसी टाइप के आपको फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे सो द ट्रीज इन अन अ थॉर्न फॉरेस्ट सच एज़ बबूल एंड कीकर हैव शार्प थर्न्स एंड स्मॉल लिवस टू प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर ठीक है तो इस एरिए में आपको कौन से प्लान्ट सॉरी ट्री देखने को मिलेंगे बबूल एंड कीकर इनके जो आपके थॉर्न है वो क्या होते हैं बहुत ही शार्प होते हैं तो इससे क्या होता है इनका लॉस वाटर का जो ट्रांसप्रेशन प्रोसेस है आपका यानी कि लॉस होता है जो वाटर का वो बहुत ही कम होता है इस्ट्रक्चर इस की वजह से द शार्प शार्पो की कीप एनिमल्स प्लांट्स डेजर्ट तो ये क्या करते हैं शार्प एनिमल्स इनसे दूर रहते हैं और ये ज्यादातर डेजर्ट एरिया में आपको ग्रो एरिया में मिलते हैं देर रूट्स स्प्रेड आउट ओवर अ लार्ज एरिया इन ऑर्डर टू एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स वेरियस टाइप ऑफ वाइल्ड पाम्स एंड कैकटाई आर ऑल्सो फाउंड इन दिस फॉरेस्ट तो इनके रूट्स होते हैं क्या होते हैं बहुत ही दूर तक फैले होते हैं क्यों क्योंकि वो वाटर की खोज में ठीक है ये इसके इनके जो आप रूट्स हैं वो क्या होते हैं वो फैले होते हैं बहुत ही दूर तक और इन मिनरल्स की खोज में भी सो वेरियस टाइप ऑफ वाइल्ड पाम्स एंड कैटाई ऑल्सो फाउंड ठीक है ये अलग अलग तरह के कैक्टस यहाँ पे देखने को मिलते हैं और पाम ट्रीज मिलते हैं नेक्स्ट टाइप है आपका टाइडल फॉरेस्ट टाइडल फॉरेस्ट क्या होता है द द फॉरेस्ट डेट आर फाउंड इन डेल्टाज एंड द एरिया सब मस्ट इन सी वाटर आर नोन एज मैनग्रूव्स और टाइडल फॉरेस्ट ठीक है जो फॉरेस्ट आपके कहाँ मिलते हैं डेल्टा में या नद सी के किनारे ठीक है जो फॉरेस्ट मिलेंगे उनको क्या बोलेंगे मैनग्रूव बोलेंगे और टाइडल फॉरेस्ट बोलेंगे सो दीज ट्रीज़ कैन ग्रो वेल इन बोथ फ्रेश वाटर एंड सी वाटर तो ये जो यहाँ पे ट्रीज़ होते हैं वो किस में होते हैं सी वाटर में भी और फ्रेश वाटर में भी ग्रो कर सकते हैं सो इन इंडिया टाइडल फॉरेस्ट आर फाउंड इन द गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा रीजन द फेमस सुंदरी ट्री अ फ्यू फॉन श्रब्स एंड पाम्स ग्रो इन दिस फॉरेस्ट ठीक है तो यहाँ पे क्या है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा रीजन पे ये पाए जाते हैं और यहाँ पे एक फेमस ट्री है जिसका नाम है सुंदरी और यहाँ पे कुछ हैं शब्स हैं है, पाम ट्रीज हैं ये आपको कहाँ देखने को मिलेंगे इसी फॉरेस्ट में बोर्ड्स आर मेड आउट ऑफ दीज ट्रीज तो इन्हीं ट्रीज के लकड़ी से क्या बनता है बोट बनाई जाती है दिस फॉरेस्ट इज़ द होम ऑफ द रॉयल बेंगोॉल टाइगर स्पॉटेड डियर क्रोकोडाइल एंड मेनी मोर एनिमल्स तो ये जो फॉरेस्ट है यहाँ पे कौन कौन से आपको एनिमल देखने को मिलेंगे बेंगाल टाइगर स्पॉटेड डियर भी देखने को मिलेंगे इस क्रोकोडाइल और और भी बहुत से एनिमल्स सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट फॉरेस्ट का कंजर्वेशन कैसे होता है अ नंबर ऑफ मोमेंट्स हैव Try to protect the 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 forest cover of of India. One of these, the Chipko movement, which took place in the 1970s, was the most famous. ठीक है तो यहाँ पे कंजर्वेशन फॉरेस्ट का कंजर्वेशन के लिए एक अभियान चलाया गया था बहुत से अभियान चलाए गए थे लेकिन एक अभियान था जिसका नाम था चिपको मोमेंट ठीक है नाइनटीन में चलाया गया था ये तो ये ही बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था इसकी वजह से क्या हुआ था इसमें हुआ क्या था अ ग्रुप ऑफ विलेजर्स फ्रॉम द रेनी विलेज ऑफ उत्तराखंड क्लंग टू द ट्रीज प्रिवेंटिंग वुड कटर्स फ्रॉम कटिंग दैम डाउन तो आ, विलेज विलेजर्स का ग्रुप था उनमें रेनी विलेज के ठीक है उत्तराखंड में रेनी विलेज है वहाँ के विलेजर्स का ग्रुप था उन्होंने क्या किया था वो पेड़ से चिपक गए थे और उनको काटने से आ, काटने से रोकना चाहते थे और रोके भी ठीक है तो ये मोमेंट चला था ये मोमेंट क्या हुआ बहुत ही सक्सेसफुल हुआ और भी कई कंट्रीज़ में ये बात फैल गई ठीक है तो नेक्स्ट है आपका वाइल्ड लाइफ इन इंडिया तो इंडिया में कौन कौन से वाइल्ड लाइफ पाई जाती हैं सो द वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया इंक्लूड्स लार्ज नंबर ऑफ बर्ड्स एनिमल्स इंसेक्ट द रॉयल बेंगाल टाइगर एंड नैशनल एनिमल्स लिव इन द सुंदरवन ठीक है तो वाइल्ड लाइफ इंडिया में आप जानते हो जैसे कि जितने भी एनिमल्स हैं वो क्या करते हैं उन्हीं को हम वाइल्ड लाइफ बोलते हैं द वन ऑनर्ड राइनासोर्स फाउंडे दर्जी रंगा नेशनल पार्क इज अ प्रोटेक्टेड एनिमल राइंस एलिफेंट हिपोस एंड डियर आर ऑल्सो फाउंड इन मैनी फॉरेस्ट इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स. ठीक है तो यहाँ पे आ, बहुत से नेशनल पार्क्स बनाए गए हैं जैसे कि आपका डायनोसोरस को वो किया गया प्रोटेक्ट किया गया किसमें काजीरंगा नेशनल पार्क में ठीक है और एलिफेंट्स को हिपोस को डियर को तो ये इन लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए नेशनल पार्कस बनाए गए हैं और डेसिड्युअस फॉरेस्ट में क्या आपको देखने को मिलेगा दे, लेपर्ड मिलेगा बोर बियर एंड द वाइल्ड बफेलो कैमल्स एंड डेजर्ट कैट्स आर फाउंड इन थॉर्न फॉरेस्ट कैमल्स और डेजर्ट कैट ये क्या मिलेंगे आपको थॉर्न फॉरेस्ट में मिलेंगे एशियाटिक लॉन्स जो है आपका आर फाउंड इन गिर फॉरेस्ट गिर फॉरेस्ट जो गुजरात में है वहाँ पे एशियाटिक लंस मिलेंगे However, due to large-scale deforestation, these animals are losing their natural home. Hence, it is important for us to conserve both the forest as well as its wildlife. ठीक है? तो यहाँ पे क्या हो रहा है? जो हमारे animals हैं, उनका जो real जो home है, वो उनसे छीना जा रहा है। क्योंकि क्या कर रहे हैं हम? Daily, दिन प्रतिदिन ट्रीज़ को कट करते जा रहे हैं और उनका घर ख़त्म होता जा रहा है तो इससे हमको क्या करना है हमें इम्पोर्टेंटली इनको बहुत ही ये इम्पोर्टेंट है हमारे लिए एनिमल्स इनको प्रोटेक्ट करने के लिए हमें क्या करना है प्रोटेक्ट करना चाहिए तो इसलिए क्या बनाया गया है नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई गई हैं तो नेशनल पार्क क्या होता है अ नेशनल पार्क इज़ अ लार्ज एरिया ऑफ लैंड विच इज़ प्रोटेक्टेड बाई द गवर्नमेंट बिकॉज ऑफ इट्स नेचुरल ब्यूटी ठीक है प्लांट्स एनिमल्स एंड विच इज विच पब्लिक कैन यूजली विजिट नेशनल पार्क में क्या होता है एक लार्ज एरिया होता है जिसमें गवर्नमेंट क्या करती है गवर्नमेंट द्वारा उसको प्रोटेक्ट किया जाता है और उसमें बहुत से आपकी नेचुरल ब्यूटी जो है प्लांट्स हैं एनिमल्स हैं और उसको प्रोटेक्ट किया जाता है वहाँ पे लोग जाते भी हैं विज़िट करने के लिए और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज़ एन एरिया वेयर वाइल्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स आर प्रोटेक्टेड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या होते हैं वाइल्ड एनिमल्स को और प्लांट्स को प्रोटेक्ट किया जाता है वहाँ पे इन ऑर्डर टू कंट्रोल पोइचिंग द गवमेंट हैज़ डयर मैनी एरियाज़ एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बर्ड सेंचुरीज एंड नैशनल पार्क ठीक है तो इसी ऑर्डर में कि हम क्या कर सके एनिमल्स को प्रोटेक्ट कर सके वाइल्ड एनिमल्स जितने भी हैं तो उनके लिए क्या डिक्लेयर किया है बहुत से वाइल्ड सेंचुरीज़ को नेशनल पार्कस को बर्ड सेंचुरी को ठीक है तो यहाँ पर कुछ दिए हुए हैं फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए फर्स्ट है आपका जिम कॉर्बेट ये कहाँ है उत्तराखंड में है रथम्बोर है राजस्थान में गिर गुजरात काजीरंगन आसाम सरिस्का राजस्थान सुंदरबन वेस्ट बंगाल बंदीपुर कर्नाटका कान्हा नेशनल पार्क जो आपका है मध्य प्रदेश में है सत सुल्तानपुर सुल्तानपुर ये कहाँ है आपका हरियाणा में हजारीबाग है झारखंड में की लाडो लेडियो कीडियो जो है आपका राजस्थान में है दाची जो है जम्मू एंड कश्मीर में है पन्ना मध्य प्रदेश पेरियार केरला बंदवा जो है आपका एमपी में तो ये सब क्या है आपके नेशनल पार्क्स हैं और यहाँ पे बर्ड सेंचुरीज भी हैं जैसे आपका नलबाना है उड़ीसा में सलीम अली गोवा में ठीक है वैसे तोरा है आपका आसाम में इदुकी है केरला में हजारीबाग है झारखंड में लैंगटेंग है मिजोरम में पुलिकट लेक है आपका आंध्र प्रदेश में तो ये सब आपके एग्जाम्पल्स हो गए किसके नेशनल पार्क के वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के सो हे आवर वीडियो इज कंप्लीटेड सो थैंक यू